आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक यज्ञ में प्रवचन एवं भजन गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुनील शर्मा, प्रियंका शर्मा, अमित पराशर, माधवी पराशर मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान यज्ञ ब्रह्मा एवं मुख्य वक्ता आचार्य विमल अग्निहोत्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों से यज्ञ संपन्न करवाया। इस मौके पर आर्य जगत के भजन सम्राट सुरेंद्र आर्य ने सुंदर भजनों का गुणगान कर सबको मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य और हर्ष लखनपाल ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कोरोना काल में वातावरण की शुद्धि एवं शुद्ध ऑक्सीजन के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। इस मौके पर कांता शर्मा, भूपेंद्र उपाध्याय, चौधरी हरिचंद, सुरेश अरोड़ा, विजय कुमार चावला, सुरेंद्र खन्ना, सुनीता भाटिया, नलिनी उपाध्याय, अनु आर्य, सुदेश भगत, पवन शर्मा, रीवा खन्ना, अमित सिंह, ज्योति सिंह, अनिल मिश्रा, अर्चना मिश्रा, ललित मोहन कालिया, ओम मल्होत्रा सहित असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। संसार में कहा गया है कि बुद्ध्यर्ष बलम निर्वुद्धस्य, बुद्ध्यर्ष बलम तस्य निर्वुद्धस्य बुद्धबलम। जिसके पास बुद्धि है वही दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो अपने बल का सही उपयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने कहा कि मानसिक बल दीजिए। शारीरिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक बल होता है। प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन सुनो, महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यांत प्रकाश में लिखा है कि जो जो जैसी जैसी प्रार्थना करता, जो जो जैसी जैसी प्रार्थना करता तद अनुकूल आचरण नहीं करता है, उसकी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती है। बहुत ही हमारे बीच में बहुत विद्वान श्री आचार्य विमल अग्निहोत्री जी, जो बरेली में रहते हैं, ये पिछले 30 वर्षों से आर्य समाज की सेवा कर रहे हैं और अपने घर पर कम रहकर देश विदेश में घूम के अपने प्रवचनों द्वारा आर्य समाज का विस्तार कर रहे हैं, उसका ज्ञान बांट रहे हैं। तो पिछले दिनों भी इनका यह पंजाब का प्रोग्राम था हमारे पास, तो कोरोना लॉकडाउन के कारण उस समय किसान संयुक्त मोर्चा का कुछ डिस्प्यूट था, तो अचानक ट्रेन की बुकिंग थी तो गाड़ी भी रुक गई थी इनकी। तो अब जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ तो इन्होंने द्वारा कहा कि मैं आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर जलंधर में आऊं, क्योंकि हमारे इस समाज की ख्याति भी तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। द्वारा आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया, या जो भी श्रेष्ठ हम करो वो कर्म आपने किया, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगी ना कृष्ण तो नित्य प्रति यही मंत्रों के द्वारा यज करते थे जो हम आपने किए हैं। तो मैं आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हुए, बरेली तो ठीक इनका एक परिवार है, वहाँ बच्चे हैं, बच्चे इंजीनियरिंग डिग्रियां लेकर के बहुत बड़े, और विशेष करके आज के जो मुख्य यजमान परिवार है, इस यज की शोभा बढ़ी है।
और जिन्होंने सभी ने मिलकर के इस सारे समाज के जितने भी सदस्य हैं सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सभी का आप इसी प्रकार हर रविवार जहाँ जाते होता है, वैसे तो दैनिक होता है, दैनिक गायत्री महायज्ञ की रोटियाँ रोज पड़ रही हैं, लेकिन समय नहीं होता, तो इसलिए आज आपने जो यहाँ पर आकर यज्ञ किया और आपने देखा होगा कितने अच्छे ढंग से उन्होंने प्रेज किया।